अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो देखें फ्रेंड्स, आज हमारे मिनी जू में मिनी चूजे आए हैं। मिनी चूजे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो दोस्तों, अब मिनी चूजों को डाइट देने का वक्त है। मिनी चूजों को अब हम डाइट देते हैं और ये देखें कितने मज़े से अपने डाइट खा रहे हैं। और मुझे लगता है कि येलो और पिंक वाले का भी यहाँ पर दिल नहीं लग रहा, इनको अपने फ्रेंड्स की याद आ रही है। फ्रेंड्स, मिनी चूजों का जल्द ही यहाँ पर दिल लग जाएगा और इनको यहाँ पर रहने की आदत हो जाएगी, क्योंकि अब ये इनका घर है। फ्रेंड्स, मिनी चूजों को तो हमने डाइट दे दी है और ये बहुत मज़े से खा भी रहे हैं। तो अब बारी आती है बजिस और ग्रीन पैरट्स की। दोस्तों, आज हम बजिस और ग्रीन पैरट्स को डाइट में फ्रूट देंगे और ये बहुत मज़े से खाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब मैं इनके पास मोबाइल लेकर जाती हूँ तो ये ग्रीन पैरट्स और बजिस मुझसे बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको मोबाइल की भी आदत हो जाएगी और ये मोबाइल से यूज़ टू हो जाएंगे। ये देखें दोस्तों, ग्रीन पैरट मुझसे डर कर कितनी दूर बैठा हुआ है। लेकिन अब इनको जब डाइट देने का वक्त होगा, ये पास तो आएंगे लेकिन जैसे ही मैं मोबाइल लेकर आऊँगी तो ये फ़ौरन से दूर चले जाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, अब ये दोनों कितने मज़े से अपने फ्रूट्स इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब मैं इनके पास जाऊँगी तो फिर ये मुझसे डर जाते हैं। अभी इनको फ्रूट्स बहुत मज़े के लग रहे हैं और ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़े से अपने फ्रूट्स खा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इनको तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और फ़ौरन से खाने भी आ गए हैं। और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये भी मोबाइल से यूज़ टू हो जाएंगे और इनको भी मेरी तरह व्लॉगिंग की आदत हो जाएगी इंशाल्लाह। इनको कभी डाइट्स में मैं मिक्स दाना देती हूँ, कभी बाजरा देती हूँ और अक्सर तो इनको डाइट में मैं फ्रूट ही देती हूँ, क्योंकि ये फ्रूट्स बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। ये दोनों तो डाइट खा रहे हैं लेकिन तीसरे वाला अभी तक मुझसे डर के पीछे बैठा हुआ है, वो आगे नहीं आ रहा। दोस्तों, अभी ग्रीन पैरट्स, बजिस और पिजन्स की डाइट तो हो गई है। और फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि बजिस ने अपनी मटकी में अंडे दिए हुए हैं। ये देखें पीछे, आपको नज़र आ रहा होगा कि सब बजिस अपने मटकी में मौजूद हैं। तो हम इसको भी इंशाल्लाह जल्द ही चेक करेंगे कि इनके मटके में अंडे मौजूद हैं या नहीं। अगर जो इनके मटकों में अंडे हुए तो इंशाल्लाह जल्द हम इनके बच्चे भी देखेंगे। और अब बारी है मेरे मिट्ठू की, और आज मिट्ठू को भी हमने डाइट में फ्रूट्स दिए हैं और देखें इनको कितनी भूख लगी है कि ये फ़ौरन से ही खाने आ गए। और इनको भी फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है। मिट्ठू है वो मोबाइल से इतना ज़्यादा नहीं डरता, लेकिन जो ग्रीन पैरट्स और बजिस हैं वो मोबाइल को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो बहुत जल्द मुझसे यूज़ टू हो जाएंगे, मेरी व्लॉगिंग से यूज़ टू हो जाएंगे। और दोस्तों, अभी देखेंगे मिट्ठू को कितनी ज़्यादा भूख। और दोस्तों, मेरे मिट्ठू और उसके पार्टनर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मैं आपको इनकी बातें भी सुनाऊँगी। फ्रेंड्स, मिट्ठू और उसकी पार्टनर बहुत मज़े की बातें करते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही आप वीडियोस में इनकी बातें भी सुना करेंगे। देखें फ्रेंड्स, अब वॉइस ओवर करते हुए पीछे से आपको कुछ आवाज़ आ रही होगी मिट्ठू की। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने पिजन्स को दाना देते हैं। और कल मैंने आपको पिजन्स की गुड न्यूज़ सुनाई थी कि हमारे दो पिजन्स ने अंडे दिए थे और अब यहाँ पर तीन अंडे मौजूद हैं। एक अंडा और आ गया, अब हमारे यहाँ पर दो नहीं तीन अंडे मौजूद हैं। फ्रेंड्स, पिजन को भी आज लगता है, आज तो सबको ही बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फ्रेंड्स, मेरे पास पिजन्स के तीन केजेस मौजूद हैं। एक ये वाला जिसमें आपको मैं तीन अंडे दिखा रही हूँ, एक जिसमें वाइट वाले हमारे पिजन्स हैं और एक...
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल मिनी जू को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मिनी पिजन कितने मज़े से अपनी डाइट इंजॉय कर रहा है। मुझे लगता है अब इसने अपने पेरेंट्स से फीड लेना छोड़ दी है और अपनी डाइट को खुद इंजॉय करता है। अब बारी आती है हमारे लास्ट वाले केज की। ये हमारे पिजन्स का लास्ट वाला केज है जिसको अब हमने डाइट देनी है। तो ये भी बहुत मज़े से अपने डाइट को एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सब पिजन्स तो अपने डाइट को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस वाइट पिजन को देखें, ये मज़े से झूला झूल रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।